मेरे पैरों पे मेहंदी लग चुकी है और मुझे यहाँ पर आ रही नींद। मैं सो ही नहीं हूँ यार सुबह से। और आप भी कोई मेहंदी लगाई दिखाना जरा कैसी लगाई है। हाँ। तो भाई हमारी मेहंदी डन हो चुकी है माशाल्लाह। दिखाओ मेरा नाम का है। और कहीं नहीं। हाँ तो भाई अगर आप लोगों को भी मेहंदी लगानी इतनी प्यारी इतनी हसीन, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में वॉश कर लिया और 20 मिनट में मेरा इतना अच्छा रंग आया इसका। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अभी उठा तुम्हारा भाई और आपकी भाभी जो है वो आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप। बच्चे को तैयार कर दो, उसको मुर्गी की बच्चू आ रही है। अम्मा बोलो मामी आपको तैयार कर रही है। मामी तैयार कर रही है, कहाँ जा रहे हो? बोलो कल मायो है ना, इसलिए तैयार हो। किसकी? आपकी मायो है कल? बोलो मेरी चाचू की मायो है। जाओ अब दिखाओ नाना को, बोलो खुशबू आ रही है। हाँ तो मैं भी, सीन ये है कि अब जो है शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं घर में, तो जो है यहाँ पे तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं। साड़ी दिखा दी मैंने इनकी। तो भाई अभी सीन ये है कि हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ चीजें वीजे लेनी है उन्होंने, तो देखते हैं क्या क्या लेना है, तो इनको लेके जा रहा हूँ, एक दो घंटे में आ जाएंगे वापस। हाँ तो भाई चेंज वगैरह मैंने कर लिए क्योंकि जो है कपड़े चेंज नहीं किए थे, तो मैंने बोला कपड़े चेंज कर लूँ। और यहाँ पे भी जो है तैयारी वगैरह चल रही है, मेकअप जो हमेशा का हमेशा का। कहाँ चलो? तो भाई बात को जो है मैंने छोड़ते हुए जाना है इनको। निकल बहुत हल्की जैकेट है। कोई बात नहीं, मेरे पास आईने के हल्की है तो क्या हुआ, ये है ना ये इतनी मोटी। अच्छा भाई कराची में जो है सुबह सुबह, आज जो है सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चलने लग गई है, कोयटा की हवा चल गई है, बहुत सर्दी हो गई है अचानक। तो जो है अब से जो है ना बस अपने आप को सेफ करके निकलना पड़ेगा जहाँ भी जाना। आपने मेरी जैकेट पर कब्जा कर लिया। तो यार ये तो गलत है ना, मेरे पास जैकेट भी नहीं है, एक ही जैकेट है मेरे पास। तुम भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। आपके पास तीन तीन है, तीन बाजार से क्या खिलाओगी ये बताओ मुझे, बताओ। जहर निकल। आप बोलो शादी करके बताया अच्छा सा था मैं कवारा। हाँ तो भाई सीन ये है कि भाई अभी जो है हम जा रहे हैं मार्केट, दो तीन चीज़ें इन्होंने लेनी है और जो है उसके बाद हमने इनको फिर मेहंदी लगाना छोड़ना है, इन्होंने मेहंदी लगवानी है हाथ पैरों पे अपने। चलो उठ जाओ यार देर हो रही है। A few moments later. हाँ तो भाई मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है कपड़ा वगैरह देख रही हैं, पता नहीं कौन सा कपड़ा इन्होंने देना है। देखो भाई ज्यादा नहीं घुमाना मुझे। दादा तो नहीं घुमाओगी, फटाफट लो और निकलो। तो भाई इन्होंने जो है लेना अपना साड़ी के लिए शमीज का कपड़ा, तो वो यहाँ पे देख रही हूँ। मम्मा ने बोला सेम लाना है, वो ऊपर वाला मैच हो रहा है उसके साथ तो ये मैच हो रहा है। नहीं नहीं कहाँ हो रहा है, वो तो अलग है। चले भाई और कुछ तो नहीं लेना ना, डोरी देख लूँ। देख लो फिर जल्दी से देखो फटाफट। हाँ तो भाई जो लेना था वो ले चुके हैं और मार्केट आए और कुछ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो ये डिसाइड कर रही है अभी क्या खाना है इन्होंने, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक हलीम मंगाते हैं, चाट मंगा लेते हैं। एक हलीम एक चाट, चलो सही है। हाँ तो भाई चना चाट हमारी आ चुकी है। क्या हुआ? मीठी है। इसमें मसाला डलवाते हैं अभी यार, इसमें मसाला डाल देना थोड़ा। हाँ तो भाई खावा चुके हैं, पेट भी भर गया, चलते हैं घर, घर पहुँच के मिलते हैं। चले मजा आया। घर पहुंच चुके हैं और हमारी बेगम यहाँ पे पैदल 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 आ रही है, बोली मैं पैदल आऊंगी खाना हजम करते हुए। हो गया हजम? आपने खाया ही क्या है जो हजम कर लो? केले वाले, केले वाले। हाँ तो घर पहुंच चुके हैं, अब बस जल्दी से जो है चाय वाय पीते हैं। आ जाओ आ जाओ। सर्दी 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 तो है ही नहीं, ये जैकेट बना के लेगा। जो चाय बना के नहीं पिला रही आपकी, वही बोल रही है अब चलो वापस चलो। दूध वाला निश्ता आ गया होगा, 5 बज रहे हैं, दूध 6 बजे आता है निश्ता निश्ता निश्ता। चलो भाई अभी जो है हम दोबारा जा रहे हैं यहाँ से आप ही के घर, क्योंकि इनको मेहंदी वगैरह लगवानी है, वहाँ पे जो है देखते हैं क्या सीन है। वो क्या कहते हैं ये देखो, इन लोगों ने अपनी मामी को गंदे मोड़ पकड़े है। मेहंदी लगवाने यहाँ पर आए और हमें ना घर नहीं मिल रहा, चलो देखते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पर मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई, अभी बस पैरों की लगा रहे हैं और आप भी आई हुई है यहाँ पर अपनी मेहंदी लगवा रही है। अमार को भी लेकर आए, ये भी हाथ में मेहंदी लगाएगा। मेहंदी लगवाओगे ना आप भी? नहीं। हाँ तो भाई देखते हैं मेरी मेहंदी कैसी लगती है, ये लगाना स्टार्ट कर रही है। मेरे पैरों पे मेहंदी लग चुकी है और मुझे यहाँ पर आ रही नींद, मैं सो ही नहीं हूँ यार सुबह से। और आप भी कोई मेहंदी लगाई दिखाना जरा कैसी लगाई है। हाँ। हाँ तो भाई हमारी मेहंदी डन हो चुकी है माशाल्लाह। दिखाओ मेरा नाम का है। और कहीं नहीं है, बस एक ही नाम है तो एक ही बार लिखाएंगे ना क्या बार बार। आपकी दिखाओ, आपकी की भी लग गई है यहाँ पे मेहंदी और यहाँ तैयारियाँ हो रही है शादी की। आपने नहीं लिखवाया नाम अफजाल भाई का? लिखवाया है ये देखो, ये रहा। वाह भाई वाह, हम सही है भाई, लड़के हमारे नाम लिखे जाते हैं। वाह
मैंने पहले हाँ तो भाई मेहंदी वेहंदी लगवा के जो है आ चुके हैं हम अभी आप ही के घर और यहाँ पे जो है इतने कोई खाने पीने का सीन भूख लग रही है तो भाई यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है हमारा अब देखते हैं क्या क्या आता तंग क्यों कर रहे हो इंजेक्शन लगाओ उसको इंजेक्शन लगेगा आपके नहीं इसको लटकाओ पंखे से लटकाओ और बटन ऑन कर दो भाई आप ही ने कलर करवाया देखें बाल इनके अभी बुढ़िया हो गई है सबसे पहले बुढ़िया हो गई न्यू कलर है देखो अभी गीले हो रहे बाल जरा सूखेंगे तो फिर अच्छा पता चलेगा हाँ फिर दिखाएंगे चलो तो भाई रोल है हमारे पास बर्गर मछली तो ये है थोड़ा सा असर हो रहा है भूख लग रही है बहुत क्योंकि आज जो है पूरा दिन सुबह से घूम घूम सर में दर्द हो गया आराम से बहुत भूख लग रही है आराम से कहां से आधी देर आधी 1 hour later तो भाई घर आ चुके हैं और जो है आज बहुत थक गया हूं मैं यहां पे जो है लोग मूवी वगैरह देख रहे थे हंस की बात तो बताओ टाइम देखो आप 1:25 रात के 1:30 बज रहे और यहाँ पे जो है हम व्लॉग बनाने में लगे हैं अभी मुझे ये एडिट भी करना है इसको अपलोड भी करना है सुबह आप लोग बोलोगे व्लॉग नहीं आया फिर बात तो सही है बहुत थक गया हूँ भाई सुबह से घूम घूम के सुबह समझो हम निकले नाश्ता करके जो निकले दर्दों का तो इसलिए जो है रूट्स हर्बल हेयर ऑयल करे दर्द को मुकम्मल तहफ्फुज़ दे मैं तो घर आई मैंने घर आते ही मुंह हाथ धोया तेल लगाया मुंह पे दाने हो रहे थे 2-3 वो करा इतना सर में दर्द इतनी हवा चल रही है पागलों की तरह इधर से उधर कभी मेहंदी और देखो मैंने पैर की मेहंदी भी धोई कि आप आओगे तो धुलवाओगे सारे काम मैं ही करूं क्योंकि मेरे हाथों की मेहंदी हल्की हो जाएगी भाई इतनी शादी लंबी है 27 को जाके वली मैं तो भाई अभी जो है मेरा जो हो रहा है सर में टाइट वाला दर्द तो ये जो है मैं अभी तेल लगवाने वाला हूँ चलो भाई तेल लगा दो फिर मैं आपकी मेहंदी धुलवाऊंगा पक्का वादा अमन आप फिल्म खोलो भाई हम फिल्म देखें हाँ हाँ शुगर तो भाई इतनी अच्छी दीदी अल्लाह पाक सबको दे और अमान के मजा आ रहे हैं वहाँ पे फिल्म देखने में लगा हुआ पता नहीं कौन से इनको रात को नो प्रॉब्लम दिख रहा हमेशा करोगी ना ऐसी मालिश चलो भाई उठो जल्दी से पांव धो मेहंदी है रचने वाली 7 दिन का गैप है मेरी मेहंदी उतर जाएगी इसलिए मेरे पांव की मेहंदी उरी बाबा क्या हुआ आप मैच खेलने गए थे आपके मोजे पड़े हुए ब्लीच में डाल के 2 दिन से तो आप वो भी धो दो 27 तक मैं कोई पानी वाला काम नहीं करूंगी मासी आई उससे धुला लेंगे पक्की बात है बस सही है बेटा रंग उड़ गया ना मुझे नहीं कहना नहीं उड़ेगा रंग ऐसे कैसे उड़ेगा उड़ जाएगा ब्लीच में डाल के रखे 2 दिन से ज्यादा हो गए और तुम्हारी भी चंपा करूँ चंपा इनकी चंपी कही तुम्हारी चंपा करूँ बाल खराब हो जाएगी लो ओह माय गॉड तेल से बाल बढ़ते हैं और ये कह रहा है बाल खराब हो जाएंगे इसके बाद नहीं है ना अभी इतनी मुश्किलों से कटवाए 4 महीने बाद कंजूस आदमी अब जाहिर भाई क्या बोलते हैं अमान का बकरा काटेंगे हम लोग हाँ अमान की तरफ से दावत है अमान को घेरो न्यू ईयर वाले दिन अमान पार्टी देगा हम सबको हैप्पी न्यू ईयर में भाई अमान लेके जा रहा है ना चले हमें रेस्टोरेंट लेके जाए वहाँ खाना वाना के लिए पीछे से शार्ट हो जाए बर्तन हम धो के आ रहे हो चुप कर मुंह बंद तुम्हारा भाई थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा तो भाई इग्नोर कर देना ये बाल बाल को तो ये जो है तेल वेल लगाया तो अभी अब सही है थोड़ा सा तो अभी मैं चेंज वेंज करूंगा और फिर जो है लंबा धोने वाला हूँ क्योंकि सुबह उठ के बहुत काम है कल ओ शिट मम्मा को कलर लाना भूल गया निकल हाँ तो भाई यहाँ पैर वेर भी धुल चुके हैं दिखाना कलर कैसा है सही आया है रंग उतर रहा है अच्छा तो आया माशाल्लाह कल आप लेकर आओगे ना एक ऑयल का डब्बा ऑयल पेंट का डब्बा भी ऑयल पेंट ऑयल पेंट मार लेंगे फिर रंग उतर रहा है इसका तो क्या ऑयल पेंट है व्हाइट लेके आना मान के मुंह पे मारना है बेटा मुंह साफ है हाँ भाई आज 200 रुपए खर्च कर कर आया फेशियल वेशियल कराया बाल बाल कटिंग करवाया हाँ तो भाई अगर आप लोगों को भी मेहंदी लगानी इतनी प्यारी इतनी हसीन और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में वॉश कर लिया और 20 मिनट में मेरा इतना अच्छा रंग आया है इसका अगर आप लोगों को भी राबता करना है इससे अच्छी मेहंदी लगानी है तो प्लीज आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करें मुझसे राबता करें वो घर आके भी मेहंदी लगा देगी आप लोगों का अगर आप लोग उसको बुलाना चाहते हैं अपने इवेंट के लिए और खूबसूरत अपना इवेंट करना चाहते हैं इतनी प्यारी मेहंदी लगाने के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आप लोगों को उसका नंबर शेयर कर दूंगी और इतनी प्यारी इतनी हसीन जैसे मैंने मेहंदी लगाई वैसे आप लोग भी इतनी हसीन मेहंदी लगा सकते हैं
थैंक यू सो मच आसफा, तुमने मुझे इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, थैंक यू सो मच। तो भाई कुछ सब्सक्राइबर थे जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारा नाम लेना, तो जो है मुझे पता है उन सब्सक्राइबर्स का नाम क्या है, मानूर है, थैंक यू सो मच मानूर, आपने हमें सपोर्ट करती है, हमारी वीडियोस देखती है, लाइक करती है, कमेंट करती है। मिसेस दानियाल वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी, ये दानियाल मैंने क्यों बोला है क्योंकि अब वो मिसेस बन चुकी है, मतलब होने वाली मिसेस है, कुछ दिनों में उनके भी बर्बादी के दिन आ रहे हैं। मैं दूर जा रहा है यार, सॉरी सॉरी, कुछ दिन में उनके भी बर्बादी के दिन आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। कट्टी वट्टी मत होना यार, अभी तुमने ट्रीट देनी है, मैं भूलूंगी नहीं। दानियाल भाई को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, मेरी ट्रीट नहीं भूलना, मेरी शादी की तुमने दावत नहीं की। हाँ मैं तुम्हारी दावत करूंगी, नहीं करूंगी जब तुम मेरी दावत नहीं करोगे तो। तुमने ना उधारी में दानियाल ने ना क्या चला की करी, अपनी मंगनी कर ली, हमसे तो दावत देगा लेगा और क्या कहते हैं अपनी दावत भी देगा। हाँ ये बात भी है, डबल डबल। और भी बहुत सारे नाम, जैसे मुजम्बिल हो गया, बहुत से हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत से हमारे क्या कहते हैं हिबा हो गई, किंजा हो गई, और भी बहुत बच्चे हैं, और एक जो है थैंक यू सो मच उनके, बहुत सपोर्ट करता है, लव यू, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और एक ने तो हमें दावत दी है, वो इनके दोस्त हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपकी दावत हम खाने आएंगे, मगर सूप वूप नहीं पीना हमें, क्या हम नहीं पीते सूप, ब्लॉक की वजह से टोपी नहीं खुल पाई, मेरी रह गई। ये क्या नाम है इसका, क्या नाम, चूरन चटनी, खा लो खा लो। अच्छा भाई अली हैदर, उसका भी कमेंट आया था, उसके लिए भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, हमें इतना प्यार देते हो, सबको आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं हम लोग, ताकि आप लोग देखो खुश रहो भाई अपना, हम भी अपनी लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं सब कुछ। भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी से कर दो ना यार, कर दो सब्सक्राइब, कौन सा पैसे लगने, तुमने पैसे पूछे थोड़ी लगने, करो फटाफट से सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन दबा दो, ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग पसंद आएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।